अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं शादी खान, मेरे साथ मौजूद हैं सिमल शेख। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जहाँ होंगे खुश होंगे, मज़े में बढ़िया होंगे। जी दोस्तों, आज फिर हम आपके सामने मौजूद हैं एक नई वीडियो का रिएक्शन देने। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है और आपको तो पता है अक्षय कुमार की क्या ही बात है और उनके तो जो सॉन्ग है और जो वीडियो है। तो चलते हैं पहले वीडियो की जानिब। जी तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जानिब। वीडियो का टाइटल है पृथ्वीराज ऑफिशियल ट्रेलर। अक्षय कुमार सर जी हैं और संजय दत्त, सोनू सूद, मनुषी चिल्लर। तो देखते हैं इस वीडियो में क्या है। उत्तराधिकारी रिश्ते से नहीं, योग्यता से चुना जाता है। शौर्य के लिए, वीरता के लिए और न्याय के लिए। पृथ्वीराज चौहान का दिल्ली के सिंहासन पर राज्याभिषेक किया जाता है। एक राजकुमारी ने एक राजकुमार की वीरता की कहानियां सुन सुनकर सपने बुन लिए थे कि एक दिन घोड़े पर वो राजकुमार आएगा और उसे ले जाएगा। मेरे नाम का तीर और मुझ पर ही चला है। इश्क का यह दाग मैंने दिल पर नहीं माथे पर लगा लिया है। अब विधाता भी इसे नहीं मिटा पाएगा। कोई पृथ्वी को चुनौती दे, मेरे हाथों बनेगा ये प्रण लेगा। पृथ्वी चंद भट्ट, लोग मुझे चंद्रवरदाई भी कहते हैं। वाल्मीकि हैं तो श्री राम हैं, चंद है तो पृथ्वीराज चौहान है। खान कहाँ है कभी? दिल्ली। सुल्तान से कहना कि अगर वे युद्ध चाहते हैं तो मैं तैयार हूं। ना वे सपने सलामत रहेंगे, ना वे आंखें जो हिंदुस्तान की ओर उठेगी। जो रिश्ता गंगा और पवित्रता का है, जो रिश्ता पानी और प्यास का है, जो रिश्ता सांस और जीवन का है, विजयी थे। अगर जिंदगी चाहते हैं सम्राट तो दिल्ली सुल्तान के हवाले करें। अपनी जिंदगी के बदले में मैं सुल्तान को अपने वतन की मुट्ठी भर मिट्टी भी ना दूं। धर्म के लिए जिया हूं, धर्म के लिए मरूंगा। बहुत जबरदस्त वीडियो जी। सिमल अब जो है ना सुपर डुपर है ना, फिल्म बहुत, बहुत हिट अच्छी होगी। बहुत अमेजिंग, क्योंकि अब जो उन्होंने थीम उठाई है ना, हाँ, फिल्म की, वो बहुत सुपर है। ये लाजिम बात है कि अक्षय कुमार की सारी फिल्में जो है अच्छी होती हैं और बहुत, लेकिन इस तरह की गेटअप में और फुल एक्शन में मुझे नहीं लगता कि इससे पहले अक्षय कुमार ने कभी इस तरह की मूवी की होगी। हाँ, नहीं की, क्योंकि कॉमेडी और लव स्टोरी और एक्शन की होगी, लेकिन इस तरह की यानी कि जंगो वाली मूवी। हाँ, जंगो वाली नहीं की। लोकेशन कितनी प्यारी है और उसमें आप देखें कि किस तरीके से जो है ना, मानव एक जो है महल दिखाया है, उस महल में जो है रानी जो है घूम रही है, जिस तरीके से उन्होंने बिंदिया लगाई कि मैंने ये अपना जो है, और उन्होंने जो तीर भेजा कि ये मेरा दिल का तीर है, दिल का तीर है। तो संजय दत्त की जो एक्शन है वो आपको तो पता ही है कि फुल फॉर्म में इस टाइम पर जो है ना, जैसे वो KGF में नजर आए थे चैप्टर 2 में, फुल फॉर्म में नजर आए थे, इसी तरह इस मूवी में भी नजर आ रहे हैं। हाँ, संजय दत्त वैसे जो है ना, लाजिम आते कि इतनी सारी फिल्में कर चुके हैं और कोई इनकी फिल्म ऐसी नहीं गई है जिसमें कि उनका जो है ना बहुत ही परफेक्ट फिल्म जाती है, और जो उनके
डायलॉग हैं जो इनकी लाइनें हैं वो बड़े अच्छे अंदाज से बोलते हैं। और अक्षय कुमार का तो आपने देखा है कि बोला कि मैं एक मुट्ठी भर भी जो ना नहीं दूंगा, मिट्टी भी अपनी जान दे दूंगा हाँ। लेकिन अपनी मुल्क की मिट्टी एक मुट्ठी नहीं दूंगा, हाँ मुट्ठी भर के मिट्टी नहीं। जबरदस्त लाइन थी ये, और उस लाइन से इनकी जो लगाव थी और जिस फीलिंग के साथ उन्होंने ये लाइन बोली है तो वाकई बिल्कुल बिल्कुल रियलिटी लग रही थी, करेक्टर के अंदर ढल जाना ना, और बिल्कुल रियलिटी लग रही थी। बॉडी लैंग्वेज बड़ी प्यारी थी, मुल्क से मोहब्बत और उसके लिए जो अपने मुल्क के लिए जो जद्दोजहद कर रहे हैं, वो इतनी मेहनत कर रहे थे, वो सब एक लाइन में उनकी नजर आ रहा था कि वाकई हर चीज नेचुरल, बिल्कुल हर चीज रियलिटी लग रही थी, बिल्कुल कहीं नहीं लग रहा। अक्षय कुमार की जितनी भी फिल्में आती हैं तो वो लाजिमत है उसमें बिल्कुल डीपली जाके जो काम करते हैं, बहुत एक्शन के साथ, बड़े जो लाइनें हैं जो डायलॉग हैं बिल्कुल ही उसमें डूब जाते हैं। और यही वजह है कि अक्षय कुमार की तमाम तर फिल्में जो हैं वो बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से जाना। और अच्छा मैं कहूँगी कि हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए बहुत ज़बरदस्त मैसेज है ये कि वो पहले वक्तों में क्या हुआ है, किसने हाँ। क्या जुल्म किया, किसने किसके ऊपर जुल्म किया हाँ। वो सारी चीज़ें मूवी में नजर आ रही है, मूवी में आपको देखने के लिए मिलेगी हाँ, हिस्ट्री में जो है, हिस्ट्री में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कि किस तरीके से जो है ना चीज़ों को जो इधर उधर किया गया। फिर अच्छा बात यह आती है कि दिल्ली के हवाले से कि दिल्ली जो है अभी भी दारुल खिलाफा है इंडिया का, और यानी कि शुरू से जो है दिल्ली जो है हाँ। दिल्ली जो है हाँ। शुरू से इसका मतलब ये कि माना अब वहाँ का दारुल खिलाफा ही रहा है इंडिया का, भारत का ना, यानी कि एक ऐसी सिटी जो कि मुनफरिद अंदाज में जो है उसको जो है ना जब भी कभी कोई फिल्म होती है या इस तरह की फिल्में आती हैं तो उसमें दिल्ली का नाम जो है ज़रूर आता है कि भाई मैं जो है दिल्ली की जो है मट्टी भी नहीं दूंगा। तो इस तरीके से इसमें कहा था ना सुल्तान ने कहा कि मुझे जो है दिल्ली चाहिए, तो दिल्ली जो है मुझे चाहिए, तो उन्होंने कहा मैं दिल्ली की एक मुट्ठी भर भी जो है ना सुल्तान जी। तो इसमें दिल्ली का जो है दिल्ली का एक नुमाया करके जो है ना तमाम तरह फिल्मों में और वैसे भी ड्रामाज में जो है ना इसको जो है ना नाम जो है दिल्ली का बहुत अच्छे अंदाज में जो लिया जाता है कि यानी कि इतना इम्पोर्टेंट था कि शुरू से ही कि इसकी हिस्ट्री जो है बहुत पुरानी है हाँ। और यानी कि इंडिया का जड़ है वो हाँ। इंडिया की जड़ बोल रहे हैं उसको कि वो इंडिया जो है पता नहीं वो मुल्क है उसका जड़ जो है हाँ। वो दिल्ली है, दारुल खिलाफा कह लें, दारुल खिलाफा जो है दिल्ली है बिल्कुल। तो दोस्तों आपने देखा कितनी जबरदस्त ये वीडियो आने वाली है 22 नहीं थर्ड जून रिलीजिंग है 3rd June की, तो आप लोग भी जरूर जाइएगा, जरूर देखिएगा, आप लोग तो जाते ही हैं, हम भी जरूर देखेंगे, बहुत जबरदस्त मैसेज है इसमें हमारे बच्चों के लिए हमारे लिए, हमें देख के पता चलेगा कि हमारे पिछले वक्तों में क्या चीजें हुई हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है किसी को पता होती है ये स्टोरीज, किसी को नहीं पता, हम तो उस टाइम पे पैदा भी नहीं हुए थे, पैदा भी नहीं हुए थे, तो ये इन स्टोरियों को देखने के लिए बहुत जबरदस्त कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो फिल्मों में इन्होंने पिक्चराइज कर दिया उसको, ताकि फिल्मों के जरिए जो है हम इन चीजों को देख सके, समझ सके, हमें स्टोरी पता चल सके कि क्या रियल स्टोरी है हाँ। और फिल्म में कभी भी गलत चीज वो नहीं शूट करेंगे, नहीं कभी वो गलत चीज का गलत मैसेज देंगे, वही चीज हमेशा दिखाएंगे जो हकीकत होगा, चाहे वो हमारे लिए गलत हो चाहे वो उनके लिए गलत हो, लेकिन वो जरूर दिखाएंगे कि रियलिटी में हुई क्या चीज थी, क्योंकि फिल्म में कभी भी वो गलत चीज नहीं दिखा सकते, क्योंकि अगर उन्होंने उस चीज को अपोजिट करके दिखा दिया तो उल्टा क्लेम उनके ऊपर, तो हमेशा वही चीज दिखा रहे होते हैं जो रियल हुई भी होती है। लिखने वाले का एक कमाल होता है कि वो जो राइटर होता है उस पर लिखता है, फिर उसकी रिसर्च होती है, तमाम जो चीज़ें उस पर जो एक एक, हाँ। एक 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 एक्टर को जो है ना उसको बिठाना पड़ता है कि इससे मुझे ये एक्ट करवाना है हाँ। तो ये कोई आसान काम नहीं है, बहुत 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 गहराई में जाते हैं ये लोग, देखते हैं गहराई से हर चीज़ सोचते हैं। अभी जैसे कि एक मूवी आई थी कश्मीर फॉल्स के नाम से, उसमें भी आपने देखा नहीं, मैंने भी नहीं देखा, लेकिन ट्रेलर हमने किया था तो वो भी बहुत ज़बरदस्त मूवी है, उसमें भी पिछली जितनी चीजें हुई है हाँ, ना कश्मीर को लेकर हाँ, वो सारी चीजें उन्होंने पिक्चराइज की है बिल्कुल, और वो फिल्म भी बहुत सुपर डुपर हिट हुई है, बहुत ज्यादा उसको काफी सारे चैनल्स पे जो है ना उसको देखा गया, और बड़ी पसजराई मिली उसको लिखने वाले का, काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो लिख तो लेता है आदमी, उसको जो है ना पिक्चराइज कराना एक बहुत बड़ा मसला होता है, तो वो भी एक बड़ा एक जो है ना टारगेट था जिन्होंने जो उसको पिक्चराइज करवाया। और एक बात ना, जो राइटर जब लिख रहा होता है ना तो उसके माइंड में जो सारी चीज़ें आ रही होती हैं बिल्कुल, और अगर मूवी में उसको ये सारी चीज़ें नहीं मिलती है ना तो वो कहता नहीं जानी है, नहीं जाएगी, क्योंकि वो जो थीम उसने बना लिया है ना अपने माइंड में तो कहता बस उसके हिसाब से पिक्चराइज हुई। और आपको ये मूवी देख के क्या ऐसा कुछ फील
हो रहा है कि किस मूवी से टच हो रही है, किस बाहुबली से टच हो रही है ना, यानी कि इतना बड़ा क्राउड, यानी कि इतनी बड़ी आवाम दिखाई गई है दोनों तरफ से, जो ना जंग के लिए जो ना, तो उसमें भी जो है ना बाहुबली में भी इस तरीके था कि मुझे भी बाहुबली वाला ही इसमें टच। अच्छा सेट भी जो है ना थोड़ा सा इस तरह लग रहा है कि वही सेट भी शायद जो ना उस तरह की गेटअप सारा वही है। सेट तो हम नहीं कहेंगे, पता नहीं सेट है भी वही या नहीं। हां बिल्कुल, लेकिन गेटअप बिल्कुल सेम बाहुबली वाले ही आ रहा है। व्यू जो है वो जो है इस तरह नजर आ रहा है कि इस तरह की फिल्म हो रही है घोड़े। लेकिन ये है कि केजीएफ के बाद जो है ना, अब मैं समझता हूँ कि बॉलीवुड में भी जो है ना काफी सारा चेंज आने वाला है, और ये भी अपनी कमर कसेंगे कि भाई बाहुबली के बाद केजीएफ और इसके बाद वो आरआर आई है ना बीच में, आरआर, इन मूवियों को देख के मुझे लगता है कि बॉलीवुड के जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर है ना, उन्होंने भी अब थीम चेंज करने का सोचा है। और फिर ये भी होगा कि लैंग्वेज में भी खुद दूसरी लैंग्वेज में भी जो ना इसको डबिंग करके जो है इस फिल्म को जो है वो तो दिखाया जाएगा। बात है, और उन्होंने शायद सोचा कि अब हम कुछ नया ट्राई करें, जरा लव स्टोरी से और कॉमेडी से बाहर निकले, क्योंकि अभी आपने बीच में देखा था बॉलीवुड में सिर्फ कॉमेडी फिल्में आ रही थी, कॉमेडी फिल्में आ रही थी, एक्शन लव के हवाले से आ रही थी, एक्शन भी नहीं था, लव भी कुछ खास नहीं था, बिल्कुल बस सिर्फ कॉमेडी कॉमेडी, पुराने जो तर्ज अमल जो चले आ रहे थे उस पे थे, लेकिन वो लोग जो थक गए थे कि भाई एक ही चीज़ें देख देख के। लेकिन हकीकत से करीब करीब फिल्म होती है तो उसमें जो है काफ़ी जान डल जाती है, जिस तरह के केजीएफ 2 आई, तो जो स्टोरीज वाइज होती है ना, जो पिछली लाइफ से जो स्टोरीज होती है वो बहुत ज़्यादा हिट होती हिट होती है, क्योंकि लोग उन्हीं चीज़ों को पसंद करते हैं जो रियल में उनके साथ हुई भी होती हैं, और उनको देख के उनको पता चलता है कि हाँ ऐसा हुआ है, उनकी जाहिर सी बात अंदर के जज्बात होते हैं, बिल्कुल, तो वो चीज़ आती है, फिर लोग उसको बहुत ज़्यादा सराहते हैं। बिल्कुल, अब इसमें इस फिल्म में जो है आप ये देखें कि जहाँ अक्षय कुमार लिख रहे हैं कि भाई ये मेरा तीर जो है दिल की उस पर, हाँ, तो जो वेडिंग में बोलूँ, हाँ, तो उन्होंने कहा कि मैंने जो है ये बिंदिया लगाई है, बिंदिया लगाई है, बिल्कुल, तो वो ये जो चीज़ें हैं ये अट्रैक्ट करती हैं, और फिर जो देखने वाला होता है उसमें जो है उनके अंदर भी ये एक वो अपनी फीलिंग होती है कि भाई वो फील करते हैं, महल में रानी भागती, हाँ, भाग रही है, यानी कि बहुत प्रॉपर। अच्छा महलों में जो है महल जो दिखाए गए तो पिछले जमाने में भी, इसका मतलब ये कि ये जो है ना स्विमिंग पूल वगैरह होते थे, बिल्कुल, है ना, तो क्योंकि आपको पता है क्योंकि पहले के ज़माने में तो औरतें बाहर नहीं जाती थी ना, अगर महल है तो महल से बाहर वो कदम नहीं रखती, नहीं रख सकती थी, तो वो महल के अंदर ही सारी चीज़ें होती थी, अगर स्विमिंग भी है तो वो महल में ही है, अगर उन्होंने कहीं घूमने भी जाना है तो पूरा बाग भी बनाया हुआ है महल में ही है वो। अभी भी अगर आप देखें कि बड़े बड़े ये गवर्नर हाउस वगैरह और ये वज़ीर आज़म हाउस जो होते हैं तो उसमें इस तरह की चीज़ें जो नज़र आती हैं, जिस तरह के एक महल नुमा ये चीज़ें, तो यही जो पुरानी तर्ज अमल में चली आ रही हैं, तो अब भी उसी की उन्हीं चीज़ों को जो है मद्देनजर रख के इस तरह की जगहों पर जो है इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो ज़बरदस्त तरीके से ये ट्रेलर दिखाया गया। और फिर ऐसी फिल्में जो है ना फैमिली के साथ बच्चों के साथ बैठ के देखने में बहुत मजा आता है, हाँ। और दूसरी फिल्में जो होती है बंदा अवॉइड कर रहा है, पता नहीं किस वक्त कौन सा सीन आ जाए, हाँ, हाँ। रिमोट नहीं मिलता, तो ऐसा होता है, तो ये चीजें भी होती है, तो इस तरह की जब फिल्में होती है ना तो हमें पता है कि इस तरह की फिल्म है, इसमें ऐसी कोई चीज नहीं आती, रिलैक्स होकर हम बच्चों के साथ बिना स्किप किए हुए देख लेते हैं, बिल्कुल। तो बहुत मुझे लगता है ये फिल्म भी बहुत सुपर डुपर हिट होगी, मेरे ख्याल से बाहुबली की तरह या उसकी तरह ना हो सके लेकिन होगी, नहीं, होगी, बिल्कुल होगी, हिट होगी, जिस तरीके से इसको जो है इसकी मार्केटिंग की जा रही है, और जिस तरीके से माना जिस तरह के एक्टर हैं, हाँ। तो अभी हाल ही में जो है केजीएफ 2 में जो है संजय संजय दत्त साहब ने जो है जो फिल्म की है उसमें उनको जो पजीराई मिली है, तो मैं नहीं जान मानता कि भाई ये ना लगता है बॉलीवुड की ये वाली बहुत जबरदस्त जाएगी, बिल्कुल, और इसके बाद मुझे लगता है बॉलीवुड के जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर उन्होंने सोच लिया आप इसी थीम में उठानी है, इस तरह की चीज़ें लिखी जाएगी, बिल्कुल, और बहुत अच्छा सोचा होगा, अगर आप लोगों ने सोचा होगा तो बिल्कुल करें, हमारे लिए भी लाइफ में कुछ ट्विस्ट आएगी उस तरह की मूवी से निकल के, इस तरह की मूवीज देखेंगे, स्टोरीज मिलेंगी देखने के लिए, तो बहुत मज़ा आएगा। तो मुझे और डॉक्टर साहब को दें इस वीडियो में इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उससे पहले हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि सारी न्यू आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहे, कमेंट में ज़रूर बताइएगा रिएक्शन कैसा लगा और सजेस्ट जरूर कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।